हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं लो समझ लो। तो दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में जिन स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स ले रखा है, मींस अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को ले रखा है, तो उनके लिए 500 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। और इस सारे क्वेश्चन जो 500 क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं या फिर पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 500 क्वेश्चंस यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 60+ क्वेश्चंस के आंसर अपनी परीक्षा में बिल्कुल सही इजिली से दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पार्ट वन में टोटल 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और इसमें हम 26 से चलेंगे, ठीक है। और पार्ट वन यदि आपने नहीं देखा तो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें हम 26 से चलेंगे और इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्ति के स्थिर रहने पर यदि मांग बढ़ जाती है तो कीमत घटेगी, कीमत स्थिर रहेगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कीमत बढ़ेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीमत बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, यदि पूर्ति स्थिर रहेगी और मांग जो है हमारी बढ़ जाएगी, पूर्ति जो है किसी प्रोडक्ट का जो उत्पादन है वो स्थिर रहेगा और हमारी जो मांग है वो बढ़ जाएगी, तो सिंपल सी बात है कीमत जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, मांग के स्थिर रहने पर यदि पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ेगी, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कीमत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीमत घटेगी। जब किसी वस्तु की मांग स्थिर रहेगी और उसकी जो पूर्ति है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी पूर्ति जो है वो बढ़ जाएगी, तो सिंपल सी बात है जो वस्तु की वैल्यू है वो घट जाएगी, मीन्स कीमत जो है वो घटेगी। ठीक है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट है उसकी मांग बहुत कम, मांग जो है वो स्थिर है और उसके उत्पादन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो गया, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो गया, तो उस वस्तु की जो वैल्यू है वो घट जाएगी, मीन्स उसकी कीमत जो है वो घट जाएगी, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, मांग वक्र का ढाल होता है, बताना है मांग वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक, धनात्मक, एक्स अक्ष के समांतर या फिर वाई अक्ष के समांतर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होता है, ठीक है, जो इसका ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्ति वक्र का ढाल होता है, पूर्ति वक्र का ढाल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है एल आकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यू आकार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ति वक्र का जो ढाल होता है वो होता है धनात्मक, ठीक है। अभी तक हमने मांग वक्र का ढाल पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि वो ऋणात्मक होता है और यह पूर्ति वक्र का ढाल जो होता है वो धनात्मक होता है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, एक आबंध नीति अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या होगी, एक आबंध नीति अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या होगी। ऑप्शन ए है अधिकतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम, ऑप्शन सी है सुविधाजनक, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम, ठीक है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, एक आर्थिक प्रणाली का मुख्य कार्य यह निर्धारित करना है कि, देखो जो आर्थिक प्रणाली का मुख्य कार्य है यह निर्धारित करना है कि क्यों उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। एक आर्थिक प्रणाली का जो मुख्य कार्य होता है वो ये तीनों होते हैं, ठीक है, ये तीनों का निर्धारण करना होता है, याद रहेगा डी रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंग हैं उपभोग, सरकार, विनियोग, या फिर विदेशी व्यापार, या फिर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंग ये चारों अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, व्यक्तिगत व्यवसाय और उद्योग जो विनियोग करते हैं इस पर विचार होता है,
व्यक्तिगत व्यवसाय और उद्योग जो विनियोग करते हैं इस पर विचार होता है, विनियोग में, विदेशी व्यापार में, उपभोग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरकार में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है उपभोग करने वाले को कहा जाता है, उपभोग करने वाले को कहा जाता है उत्पादक, व्यवसायिक संस्थान, परिवार, या फिर सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवार। जो परिवार होता है भाई वही तो उपभोग करता है, उत्पादक तो जो होता है वो प्रोडक्ट बनाता है ना, सिंपल सी बात है। यदि क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर बिल्कुल आसानी से आप लोग दे पाएंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लगा सकते हैं, इससे आपको आपके जो डाउट हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है उत्पादन के वास्ते विनियोग करने वालों को कहते हैं, उत्पादन के वास्ते विनियोग करने वाले को कहते हैं पारिवारिक संस्था, व्यावसायिक संस्था, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है सरकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक संस्था, ठीक है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 36। परिश्रम, परिवार श्रम और पूंजी के हम होते हैं, क्वेश्चन है परिवार श्रम और पूंजी के हम होते हैं रखवाले, संरक्षक, स्वामी, उपभोक्ता। जो परिवार श्रम और पूंजी होते हैं उसके हम क्या होते हैं, रखवाले होते हैं, संरक्षक होते हैं, स्वामी होते हैं, या फिर उपभोक्ता होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्वामी होते हैं, ठीक है, सी रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है वस्तु में, वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, बाजार में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग व पूर्ति द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मांग व पूर्ति के द्वारा किया जाता है बाजार में वस्तुओं का, वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, बाजार में वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण जो है वो मांग व पूर्ति दोनों के द्वारा किया जाता है, सी रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा कार्य करती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा कार्य करती है, ऑप्शन ए है विनिमय के रूप में, उपभोग के रूप में, सी है उत्पादन के रूप में, डी है साधन के रूप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। 39 कहता है उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामान्य लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना, लागत अधिकतम करना, या फिर उत्पादन अधिकतम करना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अधिकतम लाभ कमाना। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी उत्पादक होगा, कोई भी जो प्रोडक्ट के निर्माता होगा वो यही चाहेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उससे हम अधिकतम लाभ कमा सकें, ठीक है, सब यही, जितने भी विक्रेता होते हैं, जितने भी उत्पादक होते हैं वो यही चाहते हैं कि उससे हम अधिकतम लाभ कमा सकें। तो ऑप्शन बी रहेगा बिल्कुल सही जवाब, अधिकतम लाभ कमाना उत्पादक का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है राजनीतिक एकीकरण बाजार अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है, दोनों है, हानिकारक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहायक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही जवाब, राजनीतिक एकीकरण में बाजार अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 है। बाजार कीमत उत्पादन लागत से होती है, बाजार कीमत उत्पादन लागत से होती है, कम होती है, अधिक होती है, कम या अधिक दोनों होती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कम या अधिक दोनों होती है, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है विक्रेताओं को बाजार की कीमत से सदैव लाभ होगा, सदैव हानि होगी, दोनों हो सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाभ व हानि दोनों हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विक्रेताओं को बाजार से लाभ व हानि दोनों हो सकते हैं, ठीक है, डी रहेगा राइट आंसर, लाभ व हानि दोनों हो सकते हैं विक्रेताओं को बाजार से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है
बाजार कीमत एक स्थिर कीमत है, स्थिर व क्षणिक दोनों है, ऑप्शन नंबर सी क्षणिक कीमत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षणिक कीमत है। जो बाजार कीमत है यह एक क्षणिक कीमत है, सी रहेगा सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 44 कहता है बाजार अर्थव्यवस्था में साधनों का प्रयोग किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में साधनों का प्रयोग किया जाता है उपभोग के लिए, वस्तुओं के निर्माण के लिए, बेचने हेतु, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं के निर्माण के लिए, ठीक है बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है स्वयं के उपभोग के लिए, बाजार में बेचने के लिए, उपहार में देने के लिए, गरीबों की मदद के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेचने के लिए, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, ठीक है तो बी रहेगा राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि समझेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 46 कहता है फर्म का उद्देश्य क्या होता है। लाभ को अधिकतम करना, लागत को अधिकतम करना, लाभ को न्यूनतम करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ए रहेगा बिल्कुल सही जवाब, लाभ को अधिकतम करना, ठीक है लाभ कमाना ही जो एक फर्म का उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 47 कहता है आज दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, या फिर बंद अर्थव्यवस्था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी, ठीक है आज दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो पूंजीवादी हैं, सी रहेगा सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस तंत्र पर काम करती है, स्वयं के विवेक पर, सरकार के निर्देश पर, बाजार आधारित तंत्र पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी वो सभी पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाजार आधारित तंत्र पर, ठीक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है बाजार आधारित तंत्र पर निर्भर करती है, काम करती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 49 का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 नंबर। एक फर्म हानि को न्यूनतम करती है, ठीक है हानि को न्यूनतम करती है, ऑप्शन बी है हानि को अधिकतम करती है, ऑप्शन सी है लागत को अधिकतम करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जो एक फर्म होता है वो हानि को न्यूनतम करता है, ठीक है हानि को जो है न्यूनतम करता है, तो ए रहेगा बिल्कुल सही जवाब, एक फर्म हानि को न्यूनतम करता है। नेक्स्ट देखो और इस वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, और बाकी के नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। 50 नंबर क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु की कीमत में संबंध होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ठीक है वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु की कीमत में जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।